भोजन समाज की सारी अपडेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करो भारत दस्तक को, और दोस्तों दबाओ ये नोटिफिकेशन बेल हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी, मैं भोजन बॉस सुमित आपको आज बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। सन ऑफ मल्लार यानी कि मुकेश साहनी और एक्टिविस्ट वेद के बीच में जो भी बात हो रही है उसकी बहुत बड़ी अपडेट है, और एक कॉल रिकॉर्डिंग भी है मुकेश साहनी की मेरे पास जो एक्टिविस्ट वेद को धमकी दे रहे हैं। तो पूरा वीडियो आखिर तक देखो। अगली स्टोरी निकल कर आ रही है शंभू कुमार जी को लेकर। शंभू कुमार जी का कहना है कि जो चंद्रशेखर रावण है वो मायावती जी से ज्यादा बड़ा नेता अभी इस समय बन गया है। उनका साफ साफ कहना है कि अभी इस समय यूपी में भी और देश के किसी भी राज्य में चंद्रशेखर रावण मायावती जी से ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर सकता है किसी भी राज्य में, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा है भाई। तो ये वीडियो देखिए। चंद्रशेखर रावण तेज तरार नेता, आज के डेट में मैं फिर कह रहा हूँ इस देश में बहुजनों में एकमात्र नेता रावण है जो किसी भी राज्य में किसी भी नेता से ज्यादा भीड़ जमा कर सकता है एक दिन के नोटिस पर। मायावती जी उतना भीड़ दूसरे राज्य में नहीं, मैं उनको कम नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक समय होता है सबका। आडवाणी मोदी से ज्यादा भीड़ जमा नहीं कर सकते जबकि आडवाणी ने बीजेपी बनाई है। जोशी नहीं कर सकते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं कर सकते हैं, यशवंत सिन्हा नहीं कर सकते, मोदी कर सकते हैं। आज वही हालत बहुजनों में है। आज के डेट में चंद्रशेखर को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग पसंद कर रहे हैं। भाई पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। इस वीडियो के अंदर शंभू कुमार जी ने यह भी बोला है कि जो मायावती जी की बीएसपी है वो अगर चंद्रशेखर रावण को पार्टी में ले लेती, बिहार महाराष्ट्र एमपी कहीं का अध्यक्ष बना देती, प्रभारी बना देती और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे देती तो आज आदर समाज पार्टी बनती ही नहीं। और गाइज उनका यह भी कहना है कि आज के समय में जो सबसे फायर ब्रांड नेता है बहुजनों का वो चंद्रशेखर आजाद बनता जा रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है भाई, क्या चंद्रशेखर आजाद जी वाकई में ही मायावती जी से आगे निकल गए हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करो। भाई अगली स्टोरी निकल कर आ रही है तथागत लाइव से, और बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। अगर आप लोग तथागत लाइव के व्लॉग्स देखते होंगे तो आपको पता होगा अंजुल भैया एक कंपनी बना रहे हैं टी शर्ट सेलिंग की, और वो प्री बुकिंग स्टार्ट कर दिए है। लेकिन किसके लिए, किसको देंगे सबसे पहले भैया टी शर्ट्स, उन्होंने एक बात बताई है, तो ये वीडियो देखो। अब छोड़ दिए तो मैं सोच रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन है ना एक ही वीडियो में डाल दूँ। तो टी शर्ट कब सेल करने वाला हूँ मैं, तो एक खास अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ मैं अभी। टी शर्ट की मैं प्री बुकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर रखा है। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं जो सालों से ना मुझे बैक सपोर्ट दे रहे हैं 30 रुपये 150 रुपये, और बिना किसी लाभ के, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा उनको, उनको भी वही वीडियो मिल रही है जो आपको मिल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी तरफ से छोटा सा बेनिफिट है ना उनको दूँ, कुछ टी शर्ट उनके लिए रिजर्व कर दूँ। फुल वीडियो लिंक कमेंट बॉक्स में है। हाँ भाई आपने सही देखा, जिसने भी तथागत लाइव चैनल ज्वाइन करा हुआ है, ज्वाइन करने से क्या होता है, आप मंथ के 30, 100, 150 रुपये आपके अकाउंट से उस यूट्यूबर के अकाउंट में चले जाते हैं। और जिसने भी तथागत लाइव चैनल को ज्वाइन कर रखा है उनके लिए कुछ टी शर्ट्स अंजुल भैया रिजर्व रखेंगे और सबसे पहले टी शर्ट्स उनको देंगे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तथागत लाइव चैनल तो जाके फटाक से ज्वाइन करो, तो आपको सबसे पहले टी शर्ट मिल सकती है गाइज। तो ज्वाइन करना जरूर, और जाके वहाँ पर लिखिएगा कि आपने भारत दस्तक की वजह से चैनल को ज्वाइन करा हुआ है, तो जाओ जल्दी। दोस्तों अगली स्टोरी निकल कर आ रही है राजरतन अम्बेडकर जी की तरफ से। जैसा कि आप सभी को पता होगा साकेत मुक्ति आंदोलन का केस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह डला हुआ था, लेकिन दोनों जगह से ही खारिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या बोलते लताड़ लगाई थी याचिकाकर्ताओं को कि राम मंदिर में रोड़ा अटकाने के लिए ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि ऐसी मामलों में हम सीबीआई जांच भी करा सकते हैं, कहीं बहुजन समाज के लोगों को भाई फंडिंग तो नहीं हो रही है बाहर से, विदेशों से। तो भाई इसको लेकर राजरतन जी कुछ बोले हैं, उनका कहना है कि अब हमें सड़क की लड़ाई लड़नी होगी, सड़क पे उतरना होगा। तो ये वीडियो देखो। सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहले ही बताया, सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो, हमें इनसे कोई वैसे भी भरोसा नहीं था, हमें इनसे इन पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि हमें पता है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कम और ये शर्मा तिवारी मिश्रा कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया है, तो ये यही लोग सारे इसमें बैठे हुए हैं। हमारे भी एक बंदे को बिठाया कि देखो आपका भी बंदा इसमें जजमेंट देने के लिए काम कर रहा है। तो ये सारा सुप्रीम कोर्ट हो, न्याय व्यवस्था हो, हमें पता है कि कितना हम लोगों को इसमें से रिजल्ट मिलने वाला है, इसलिए अब रास्तों पर की लड़ाई लड़नी होगी और एक वर्ल्ड पीस रैली का आयोजन हम लोगों को करना है।
फुल वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। इस वीडियो के अंदर राजरतन अम्बेडकर जी ने कई सारे कारण गिनाए हैं क्यों भोजन समाज की जो याचिकाएं थी वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर खारिज हो गई, क्या उसके तथ्य थे जो ये लोग ढंग से पेश नहीं कर पाए, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरा आंदोलन है साकेत मुक्ति आंदोलन, ये बौद्ध भिक्षुओं को लीड करना चाहिए, इसका जो भी नेतृत्व है वो बौद्ध भिक्षु को करना चाहिए, बाकी लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। बाकी उन्होंने ये भी कहा है इसके लिए संविधान के दायरे में हम सबको सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो क्या आप लोग साकेत के लिए सड़क पर उतरोगे? नीचे कमेंट करके बताओ। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है एक्टिविस्ट वेद वर्सेस मुकेश सहनी, जो कि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष है जिन्हें सन ऑफ मल्लार भी कहा जाता है। ये स्टोरी देखिए, खबर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि पैसे लेकर खबर चलाता है ये यूट्यूबर पत्रकार वेद प्रकाश, स्क्रीनशॉट हुए वायरल। तो क्या है पूरी खबर, मैं आपको बताता हूं। इस खबर में बताया गया है कि मुकेश सहनी से पैसे लेकर यूट्यूब के ऊपर एक्टिविस्ट वेद ने अपने चैनल के ऊपर उनके लिए खबर चलाई थी, जिसमें चार महीने की कुछ वीडियोस को उठा के देखा गया था, चार महीने पहले की कुछ वीडियोस में, जिसमें मुकेश सहनी का बहुत गुणगान किया था वेद प्रकाश ने, और उसके लिए उन्होंने चार्ज किया था मुकेश सहनी से, पैसा लिया था, ये इस वेबसाइट में बताया गया है। और इस वेबसाइट में यही बताया गया है कि जब लॉकडाउन के अंदर वेद प्रकाश बार बार मुकेश सहनी को व्हाट्सएप के ऊपर, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, बार बार वेद प्रकाश अपना आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर डिटेल भेज रहा था पैसों के लिए, लेकिन क्या बोलते हैं जो मुकेश सहनी उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, उसके बाद ही सोशल मीडिया के ऊपर मुकेश सहनी के खिलाफ वेद प्रकाश अनाप शनाप बातें लिख रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। शॉर्ट में बताऊं तो दोस्तों, चार महीने की पहले वाली वीडियोस में मुकेश सहनी को एक्टिविस्ट वेद प्रकाश क्या बोलते बिहार के चार बड़े भोजन नेताओं में बता रहे थे, उसके लिए उन्होंने पैसे चार्ज किए, ऐसा वेबसाइट कह रही है। और जब लॉकडाउन में मुकेश सहनी ने पैसे देने से मना कर दिया, और ये स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है कि वो बार बार अपना आईएफएससी कोड एक्टिविस्ट वेद मुकेश सहनी को अपना आईएफएससी कोड बैंक अकाउंट सब कुछ भेज रहे थे, लेकिन जब पैसे नहीं मिले तो उन्होंने मुकेश सहनी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चालू कर दिया, ये वेबसाइट कह रही है। अब इसके बाद एक्टिविस्ट वेद ने एक ट्वीट करा टैग करते हुए किसको, तेजस्वी यादव को, जो कि महागठबंधन के बड़े नेता है, कि तेजस्वी यादव जी आपके गठबंधन का एक नेता ठग ऑफ मल्लार हमें धमकी दे रहा है। और क्या है वो ऑडियो, चलिए बताता हूँ। मैं फोन कर रहा हूँ, आप फोन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है फोन कीजिए, नहीं तो 2 बजे के बाद फिर मैं मेरे हिसाब से फिर काम चालू करूंगा, ठीक है। एक्टिविस्ट वेद का कहना है कि ये आवाज है मुकेश सहनी की, जिसमें वो कह रहा है कि आपको मैं फोन कर रहा हूँ, यानी कि एक्टिविस्ट वेद को वो फोन कर रहा है, लेकिन एक्टिविस्ट वेद फोन नहीं उठा रहे हैं, अगर वो फोन नहीं उठाते हैं तो फिर 2 बजे के बाद फिर मैं अपने हिसाब से काम चालू करता हूँ, ऐसी धमकी मिली है मुकेश सहनी की तरफ से एक्टिविस्ट वेद प्रकाश को, ऐसा उन्होंने ट्वीट करा हुआ है। तो भाई आपके सामने मैंने पूरी खबर रख दी है, वीडियो मतलब थोड़ा सा ये लंबा हो गया था क्योंकि सारी खबर को मेरे को एक्सप्लेन करना था अच्छे से, कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। तो अब आपके ऊपर है, आप किसके साथ हो, एक्टिविस्ट वेद प्रकाश के साथ हो या फिर मुकेश सहनी के साथ हो, आपको कौन सही लगता है इस मामले में, नीचे जाकर फटाक से कमेंट कर दो यार इसलिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो क्या देख रहे हो यार, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट अपने मोबाइल के ऊपर सबसे पहले पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।